हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन हियर। लास्ट क्लास में हमने डी ट्रिपल एस बी का हिस्ट्री का सिलेबस देखा था, जिसमें इंडियन हिस्ट्री पोर्शन आता है। और हमारी इंडियन हिस्ट्री जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज एंशियंट इंडिया, सेकंड इज मेडिवल इंडिया एंड थर्ड इज मॉडर्न इंडिया, जिसमें से आज हम एंशियंट इंडिया में एंशियंट इंडिया पढ़ेंगे। एंशियंट इंडिया में हमने प्री हिस्ट्री पढ़ेंगे। सो सबसे पहले जो हिस्ट्री थी हमारी, उसको मतलब हिस्ट्री स्टार्ट कैसे होती है। नॉर्मल सी बात है कि हिस्ट्री जो है वो एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज हिस्ट्री। इफ ये क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि व्हाट इज हिस्ट्री, तो जो व्यूज हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं कि जो भी चीज पास्ट में हुई है वो हिस्ट्री है। बट क्या सारी चीजें जो पास्ट में हुई है वो हिस्ट्री है? नहीं, जो पास्ट में होती है वो हिस्ट्री है, बट जब उसके सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके कुछ प्रूफ जो ये चीज कंफर्म करें कि वो चीज पास्ट में हुई है, दैट इज हिस्ट्री। मींस ऑल द इवेंट्स, ऑल द इवेंट्स हैपेंड इन पास्ट, हैपेंड इन पास्ट एंड we have the sources to get confirmation of these events। means जो भी चीज past में तो हुई है, but उसके एविडेंसेस या उसके सोर्सेस हमारे पास हो तो ये प्रूफ करें कि वो चीज पास्ट में हुई है, वही हिस्ट्री होती है। सो हिस्ट्री क्लियर हुआ कि हिस्ट्री क्या होती है। ये जो हिस्ट्री वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया था। और हिस्टोरिया का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इन्वेस्टिगेशन से। मींस इट मींस इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू इन्वेस्टिगेशन। ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, हिस्ट्री वर्ड जो है। और एक ग्रीक पर्सन थे, दैट इज हेरोडोटस। जिनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री है हेरोडोटस। और इन्होंने ही एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका, जिसमें पहली बार हिस्ट्री के बारे में बताया गया था। हिस्टोरिका, जिसमें फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के बारे में बात की गई थी। ये हुआ हिस्ट्री का छोटा सा इंट्रो, लाइक व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? जो भी चीज पास्ट में हुई है और उसके कुछ सोर्सेस, कुछ एविडेंसेस जो ये बताए कि ये चीज इवेंट जो है ये पास्ट में हुए हैं, पुराने समय में जो घटनाएं घटी हैं उनके कुछ सोर्सेस अगर हमारे पास हैं तो वो हिस्ट्री है। बट जिसके कुछ सोर्सेस नहीं है, सारी चीज पास्ट में हुई हिस्ट्री नहीं होती। सो बिफोर वी स्टार्टिंग, firstly we will know that actually में ये प्री हिस्ट्री क्या है। प्री हिस्ट्री हुआ, प्रोटो हिस्ट्री हुआ। तो हिस्ट्री जो है ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, हर हिस्टोरियन का अपना एक व्यू होता है। मीन्स उनके अपने रीजन होते हैं।
तो हम जो पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी को बेस लेके पढ़ेंगे, मींस एनसीईआरटी के बेसिस पे जो माना गया है वही हम एक्चुअल में कंसीडर करेंगे। तो हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है कहाँ से, माना ये जाता है कि 5 लाख पहले से इवोल्यूशन, 5 लाख ईयर्स अगो से जो इंसान है वो जो थे धरती पर आ गए थे। तो जब इवोल्यूशन हुआ था ह्यूमंस का अर्थ पे, जब धरती पे इंसान आए तब हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, जिसको आइस एज बोला गया था, मींस हिमयुग। अब इस आइस एज में नॉर्मल सी बात है, हर इंसान को सबसे पहले क्या लगती है, भूख। तो जब उन्हें भूख लगी, उन्होंने देखा अपने हर तरफ, तो उन्हें कुछ नहीं दिखा, हर तरफ बर्फ थी और पेड़ पौधे और जानवर थे। अब अपनी भूख को वो कैसे मिटाएं, तो उन्होंने वहाँ पे जो पत्थर पड़े थे उन पत्थरों को उठाकर जानवरों को मारना स्टार्ट किया। जब उन्होंने पत्थरों का यूज़ किया जानवरों को मारने में, तभी से स्टार्ट होती है स्टोन एज। अब उन्होंने पत्थरों से जानवरों को मारना स्टार्ट किया, कभी कभार जानवर इंसानों को मार देते थे, समटाइम्स इंसान जानवरों को मार देते थे। तो लोगों ने क्या सोचा, उनके लोग नॉर्मल सी बातें ह्यूमंस थे तो दिमाग तो था, तो इन्हीं लोगों ने जिन्होंने पहले जानवरों को पत्थर से मारना स्टार्ट किया, इन्होंने फिर उन पत्थरों को घिसना स्टार्ट किया, मींस उन्हें शार्प पॉइंटेड बनाया, जिनको माइक्रोलिथ नाम दिया गया था। शार्प पॉइंटेड बनाने के बाद उससे उन्होंने उनको जानवरों को मारा, जिससे इनके रिजल्ट और बेटर निकले। अब जानवरों को मारना स्टार्ट किया पत्थर, अब उन्हें मतलब नॉर्मल सी बात है उन्होंने औजार बनाए स्टोन से। सडनली क्या हुआ था, नॉर्मल ह्यूमंस के थ्रू इन जो पुराने टाइम के लोग थे उनसे ही फायर डिस्कवर्ड हुई। सडनली वो लोग दो पत्थर लेके बैठे थे और नॉर्मल घिस रहे थे, तो उससे स्पार्कलिंग हुई, जिससे उन्हें आइडिया आया कि इससे तो आग भी जलाई जा सकती है। जब उन्होंने फायर डिस्कवर्ड की तो उसका यूज़ होने लगा, और यूज़ हुआ तो जो पूरी बर्फ़ थी, मीन जो हिमयुग जिसको हमने बोला है, वो पूरी बर्फ मेल्ट हो गई, जिससे नेक्स्ट पीरियड आता है, डेट इज मेसोलिथिक पीरियड। और वो क्या होता है, जो पूरी बर्फ़ थी वो मेल्ट हो गई, क्यों, क्योंकि जलवायु गर्म हो गई। अब जब बर्फ़ मेल्ट हुई तो उन्होंने देखा नीचे तो जो उसके नीचे सॉइल भी थी, और फिर ही उन्हें एक इंसाइट जो थी, मतलब एक बीज नीचे गिरा और उससे जो पौधा था वो ग्रो हुआ, जिससे उन्हें ये भी पता चला कि इस लैंड पे तो हम कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, मीन्स एग्रीकल्चर स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। अब उनके पास जानवरों को मारने के लिए औजार थे, एग्रीकल्चर उन्होंने स्टार्ट कर लिया, और फायर भी उनके पास थी, वो रहे थे केव्स में। फिर उन्होंने क्या किया, अब जिन जानवर को मारकर खाते थे उनको उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, उनको पालना स्टार्ट किया, पशुपालन स्टार्ट करा, और उससे उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलने लगे, लाइक दूध दही एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें उन्हें वहाँ से मिलने लगी। अब जब उनके पास सब चीज़ें गैदर हो ही गई थी, तो जब वो नॉर्मल सी बात है पहले के लोग हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे खाने की तलाश में। अब जब उन्हें सब एक ही जगह अवेलेबल हो रहा है तो वो एक जगह टिक कर रहने लगे, और टिक कर रहने लगे तो बस्तियाँ बनी, और जब बस्तियाँ बनी तो सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ये एक नॉर्मल सा इंट्रो था हिस्ट्री के रिगार्डिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री, दैट व्हाट इज प्री हिस्ट्री। हमने देखा हिस्ट्री क्या है, जो भी चीज पास्ट में हुई है और उसके रिटन सोर्सेज हमारे पास हैं वो हिस्ट्री है। तो मींस जिसके रिटन सोर्सेज हमारे पास नहीं है वही होती है प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री मींस in this period we do not have written sources
पीरियड के हमारे पास कोई भी रिटन सोर्सेज नहीं है एंड इट इज बेस्ड ऑन, हमने अभी पढ़ा कि हिस्ट्री जो होती है वो होती है जो पास्ट में हुई है और उसके सोर्सेज या एविडेंसेस हमारे पास है, बट इसमें तो हमारे पास रिटन सोर्सेज है ही नहीं, तो इसको कैसे हम हिस्ट्री में कंसीडर कर रहे हैं? ये पीरियड जो है इसके रिटन सोर्सेज तो नहीं है बट आर्कियोलॉजिकल चीजें जो खुदाई से मिली थी, मीन्स हमें जो पुरातत्व की खुदाई से चीजें मिली थी पुराने समय की, उससे हमें प्री हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. मीन्स इट इज बेस्ड ऑन द थिंग्स फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशंस मीन्स खुदाई. मीन्स जो हमें पुरातत्व की खुदाई से चीजें मिली थी जिसके बेसिस पे इसके बारे में पता लगाया जा सकता है. प्री हिस्ट्री जो है इसके अंदर हम पढ़ते हैं स्टोन एज. स्टोन एज मीन्स पाषाण काल. अभी मैंने बताया कि पाषाण काल कब से स्टार्ट हुआ था, जब से ह्यूमंस ने पत्थरों का उपयोग करके जानवरों को मारना स्टार्ट किया अपनी भूख को मिटाने के लिए, तभी से स्टोन एज स्टार्ट हो जाता है. तो इसमें जो लोग थे वो पत्थरों का उपयोग करते थे, पत्थरों का उपयोग अपनी भूख, पत्थरों का उपयोग जानवरों को मारने के लिए, जानवरों को मारने के लिए. तो मीन्स स्टोन एज वो एज है जब लोगों ने पत्थरों का उपयोग करना स्टार्ट किया जानवर को मारने के लिए, दैट इज कॉल्ड पाषाण काल. इसमें जो लोग पत्थरों का उपयोग करते थे उस पत्थर को जो फर्स्ट टाइम पहली बार मीन्स फर्स्ट स्टोन यूज, जो पहला पत्थर लोगों ने यूज किया जानवरों को मारने के लिए, फर्स्ट स्टोन यूज, वो कौन सा था जिसका उस पत्थर को क्वार्ट्जाइट कहा जाता था? क्वार्ट्जाइट. इसीलिए इन्हें क्वार्ट्जाइट मैन भी कहा जाने लगा. Why they call Quartzite Man. अभी तक हमने पढ़ा हिस्ट्री क्या होती है, प्री हिस्ट्री क्या होती है. प्री हिस्ट्री में स्टोन एज आता है. स्टोन एज क्या था? पत्थरों का उपयोग जब जानवर को मारने के लिए किया गया, मीन्स अपनी भूख को मिटाने के लिए किया गया, तो उसे स्टोन एज कहा गया. इसमें भी जो पहला पत्थर लोगों ने मारना स्टार्ट किया, मीन्स जो पत्थर का उपयोग सबसे पहले स्टार्ट किया था, उसको क्वार्ट्जाइट कहा जाता था. इसीलिए इन्हें क्वार्ट्जाइट मैन भी कहा जाता है. अब जो हमारी स्टोन एज है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, मीन्स तीन पीरियड में इसको डिवाइड किया है. It is divided into three periods. First is Paleolithic. Paleolithic.
पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको ओल्ड स्टोन एज कहा जाता था। ओल्ड स्टोन एज मींस पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। नेक्स्ट इज मेसोलिथिक पीरियड, जिसको मिडिल स्टोन एज कहते हैं, मिडिल स्टोन एज मींस मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल एंड लास्ट इज नियोलिथिक पीरियड, जिसको न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज या नव पाषाण काल कहते हैं। नवपाषाण काल ये तीन भाग में इसे डिवाइड किया गया था, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड जो टाइम पीरियड इसका रहता है वो है अननोन मानते हैं जनरली, अननोन से लेके कुछ लोग इसे 5 लाख साल पहले भी कहते हैं, मीन्स 5 लाख ईयर्स टू 8000 BC। मेसोलिथिक का जो काल माना जाता है पीरियड ये है 8000 टू 4000 BC, और नियोलिथिक का टाइम पीरियड माना जाता है 4000 से 2500 BC। इसके बाद एक और पीरियड आता है जिसको चैल्कोलिथिक कहा गया है, और ये पीरियड इन 3000 BC माना जाता है। इसमें कॉपर फाइंड हुई थी, मींस कॉपर का पता लगा था। मेन हम अभी पढ़ेंगे तीनों, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक को आइस एज भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे जब जलवायु गर्म हो गई थी, बिल्कुल शुष्क हो गई थी, तब एग्रीकल्चर मींस कल्टीवेशन स्टार्ट ही होता है, जस्ट पहला कल्टीवेशन होता है, यहाँ से एग्रीकल्चर पूरी तरह यूज होने लगता है। अब हम फर्स्ट जो पढ़ेंगे दैट इज पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड में क्या क्या हुआ था, क्या चीजें फाइंड हुई, इसके एविडेंसेस कहाँ मिलते हैं, ये सब हम पैलियोलिथिक में देखेंगे। अभी मैंने बताया कि जो मैन्स होते थे पहले, पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको हमने ओल्ड स्टोन एज मींस पुरापाषाण काल का, पूरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड जो था वो अननोन से 8000 BC तक का था। इसमें हुआ क्या क्या था, इसमें जो लोग होते थे फर्स्टली वो लोग हंटर्स एंड गैदरर्स हुआ करते थे। Humans were hunters and gatherers. Means आखे तक, आखे तक means होता है शिकारी, और खाद्य संग्राहक। अपना खाना इकट्ठा करते थे आसपास की सराउंडिंग से।
मीन्स पहले के लोग जो होते थे वो हंटर्स और फूड फूड गैदरर्स होते थे. नेक्स्ट दे डिस्कवर्ड फायर, इन्होंने आग का आविष्कार किया. आग का आविष्कार, इन्होंने आग का आविष्कार तो किया लेकिन ये उसको यूज कहां और कैसे करना है वो नहीं जानते थे. वो इन्हें नेक्स्ट पीरियड में आया था. दे यूज्ड स्टोन्स टू मेक वेपन, ये पत्थरों का उपयोग करते थे औजार बनाने के लिए. दे यूज स्टोन टू मेक वेपन, पत्थरों का उपयोग औजार बनाने के लिए. ठीक है, ये तीन चीज हुई थी इसमें. हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, आग का आविष्कार किया था और पत्थरों का उपयोग किया इन्होंने औजारों को बनाने के लिए. पहला पत्थर इन्होंने क्वार्ट्जाइट यूज किया था इसलिए इन्हें क्वार्ट्जाइट मैन कहा जाने लगा. नेक्स्ट, इसके एविडेंसेस कहाँ मिलते हैं, किसके कहाँ से हमें पता चला इन एविडेंसेस को कहाँ से मिले थे जहाँ से हमें इस चीज के बारे में पता चला. फर्स्ट इज नर्मदा रिवर वैली. नर्मदा वैली. सेकेंड इज नर्मदा वैली. सेकेंड इज बेलन रिवर वैली. थर्ड इज तुंगभद्र वैली. एंड सोहन वैली. इसके अलावा इसकी केव्स के भी कुछ एविडेंसेस हमें मिले थे. मींस भीमबेट का केव, जैसे केव्स एविडेंसेस जो मिले थे इनके वो थे एक भीमबेट का में और इसके अलावा कुरनूल में. भीमबेटका एमपी में है. यहाँ जब महाभारत में जो भीम थे जब अपनी फैमिली के साथ जब उन्हें एग्जाइल दे दिया गया था, मीन वनवास दे दिया गया था, वो इसी केव में जाके रुके थे इसीलिए इसका नाम भीमबेटका पड़ा था. और ये जो है हमारी सोहन वैली ये पाकिस्तान में है. ठीक है, ये मिर्जापुर एंड ये दोनों इंडिया. तो जो पहले लिथिक है उसमें बस इतना ही है. इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हमारी आती है मेसोलिथिक मींस मध्य पाषाण काल. इसमें जो काम हुए थे दैट इज ह्यूमन हंटर्स गैदरर्स थे, फायर डिस्कवर्ड हुई, वेपन्स जो थे उनका उपयोग करते थे जानवरों को मारने के लिए. नेक्स्ट इज मेसोलिथिक पीरियड. मेसोलिथिक पीरियड में भी जो मैन थे वो होते हंटर गैदरर्स ही थे. मीन्स वो अपने फाइंड आउट जो था एक सेकेंड. ओके, मेसोलिथिक पीरियड मीन्स मिडिल स्टोन एज और मध्य पाषाण काल जो कि 8000 बीसी से 4000 बीसी तक का था. इस पीरियड में भी जो मैन थे वो हंटर गैदरर्स होते थे. हंटर एंड गैदरर्स. इसमें इनको आग का यूज करना आ गया
दे यूज फायर इन टू केसेस. फर्स्ट टू कुक फूड मीन्स खाना पकाने के लिए ये आपका इस्तेमाल करते थे एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से खुद को प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए रखते थे खाना पकाने में खुद को जानवरों से बचाने के लिए. इसी में वैसे एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है बट फर्स्ट कल्टीवेशन के एविडेंसेस भी यहाँ से पाए जाते हैं. इसमें पहला कल्टीवेशन मींस पहला पौधा उगाया गया इन लोगों के थ्रू, फर्स्ट कल्टीवेशन जो कि बागले का माना जाता है मींस जौ. ठीक है, इसके अलावा इस एज में इन्होंने पत्थरों के सूक्ष्म और पैने औजार बनाए. पैने औजार बनाए जिनको माइक्रोलिथ कहा गया. इनको माइक्रोलिथ नाम दिया गया था क्योंकि ये छोटे और पैने इन्होंने पैने औजार बनाना स्टार्ट किया था. इसके अलावा इसके जो एविडेंसेस हैं वो एक तो सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं. सेंट्रल इंडिया का जो एरिया रहता है, इसके अलावा कृष्णा रिवर वैली, छोटा नागपुर का जो एरिया रहता है, छोटा नागपुर प्लेटू का. छोटा नागपुर प्लेटू के एरिया में सेंट्रल इंडिया में, और मतलब ये जो कृष्णा रिवर वैली है ये वो वाला पोर्शन आ जाता है हमारा आंध्र प्रदेश वाला. छोटा नागपुर प्लेटू जो है ये हमारा छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा वाला जो एरिया है वहाँ, और ये सेंट्रल इंडिया मीन्स एमपी वाला जो एरिया आता है हमारा उसमें पाए जाते हैं. इसके अलावा इसमें एक चीज और रह गई, मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन. इन्होंने पशुपालन और इसी एज में स्टार्ट कर दिया था. डोमेस्टिकेशन मींस पशुपालन करना शुरू कर दिया था. लास्ट हमारी रह जाती है नियोलिथिक पीरियड, ये होता है खत्म मेसोलिथिक. इसमें हंटर गैदर्स तो वो थे ही, फायर का उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया कुकिंग फूड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ मींस खाना पकाने में और जानवरों से खुद को बचाने में. पहला कल्टीवेशन बाजले का पाया गया मींस जौ का. सूक्ष्म औजार बनाए जाते थे जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था, और इसी में ही लोगों ने डोमेस्टिकेशन मींस पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया था. इसके एविडेंसेस जो है वो सेंट्रल इंडिया मींस जो एमपी वाला पोर्शन है, कृष्णा रिवर वैली ये एपी वाला जो आंध्र प्रदेश का पोर्शन जो आ जाता है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड वाला जो एरिया है उसमें पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज नियोलिथिक पीरियड, जो नवपाषाण काल है उसमें नवपाषाण काल इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है नियोलिथिक पीरियड, जिसको न्यू स्टोन एज कहा जाता है, इसका मींस नव पाषाण काल. इसका पीरियड रहता है 4000 से 2500 बीसी. ये लास्ट स्टोन एज मानी जाती है. इसमें भी लोग जो थे हंटर गैदरर्स हुआ करते थे,
हंटर गैदर मीन्स आखेटक और खाद्य संग्राहक, आखेटक खाद्य संग्राहक। नेक्स्ट इसमें दे इन्वेंटेड व्हील, इसमें व्हील का इन्वेंशन हुआ जिससे दे स्टार्टेड यूटेंसिल्स, मतलब ये लोग खाना स्टोर करने के लिए यूटेंसिल्स का उपयोग करने लगे। दे यूज्ड यूटेंसिल्स क्योंकि दे स्टार्टेड मेकिंग पोट्री, ये बर्तन बनाने लगे और व्हील का इन्वेंशन मीन्स पहिए का आविष्कार किया गया, पहिए का आविष्कार। हंटर गैदर्स इसमें ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर। मींस इसमें इन्होंने कृषि करना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया और इसमें ही इन्होंने जो है यूटेंसिल स्टार्ट कर दिए, व्हील्स जो थे उसका आविष्कार किया। और इसी एज को क्रांति युग भी कहा जाता है, इट इज आल्सो नोन एज रिवॉल्यूशनरी एज मीन्स क्रांति युग, इसको क्रांति युग भी कहा जाता था। इसी में सिविलाइजेशंस बनना स्टार्ट हुई, लोग एक जगह रहने लगे, बस्तियां बसाई लोगों ने। और इसके जो एविडेंसेस हैं वो मैन स्टार्टेड सिविलाइजेशन, इसके एविडेंसेस जो हैं वो फर्स्ट राइस का एविडेंसेस जो है, एविडेंस जो है राइस कल्टीवेशन का, वो कोलडीवा में बिहार में पाया गया है। इसके अदर एविडेंसेस जो हैं दैट इज बुर्ज होम और गुज करार, इस साइड्स के बुर्ज बुर्ज होम एंड गुज कराल जो है जे एंड के में है, यहाँ इस साइड के एविडेंसेस पाए जाते थे। यहाँ पे डॉग्स को मेंस के साथ उनकी मतलब हड्डियों के अवशेष मिले हैं जे एंड के में। इसके अलावा जो है इसके एविडेंसेस चिरान में भी पाए गए हैं। इस तीन जगह इनके एविडेंसेस पाए गए हैं, सॉरी कोलडीवा जो है ये प्रयागराज, सॉरी कोलडीवा प्रयागराज में इसके राइस के एविडेंसेस पाए गए थे। इसके अलावा बुर्ज होम गुज कराल में मीन्स यहाँ पे हड्डियों के अवशेष हैं और चिरान में भी इसके अवशेष पाए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो है हमारी कॉपर एज। नेक्स्ट जो थी वो चालकोलिथिक एज थी, साइड से लिख लेते हैं।
चैल्कोलिथिक एज। इसमें पहला फर्स्ट मेटल फाउंड हुआ था, दैट इज कॉपर। इसमें पहला मेटल पाया गया था जो कि कॉपर था। ये इन 2000 BC इसका टाइम पीरियड माना जाता है। पहला मेटल इसमें फाउंड हुआ था। इसके अवशेष जो थे वो राजस्थान में पाए गए थे, राजस्थान के खेतरी में। डेट्स ऑल, ये थी पूरी प्री हिस्ट्री मीन्स पाषाण काल स्टोन एज, जिसमें तीन पीरियड्स थे, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्योलिथिक। सबके एविडेंसेस, सब में क्या क्या इन्वेंशन हुए थे, क्या डिस्कवर किया गया, कैसे रहते थे लोग, वो सब बता दिया है। एंड डेट्स ऑल, थैंक यू।